भाई जी, चाहे 5 star प्रॉपर्टी हो, 7 star प्रॉपर्टी हो, वेदर आई एम स्टेइंग इन अटलांटिस दुबई, ब्लॉग आपके चलते रहेंगे और आपके ब्लॉग चल रहे हैं। अभी हमारा टाइम एक्टिविटी का हो रहा है, हमने बोला नो, पहले हम ब्लॉग देखेंगे। हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द चैनल टू ऑल द वंडरफुल सोफिस्टिकेटेड एंड बॉम्बास्टिक पीपल हु इज वाचिंग मी राइट नाउ। तो भैया, आज की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे मोटो ब्लॉग से, और कोशिश करेंगे आज मोटो ब्लॉग में ज़्यादा आपसे बातचीत हो जाए। और रेंचो साथ में है ही हमारे। पहले अपन जा रहे हैं एक बार शास्त्री नगर, चेन लूप करानी है हमारी ड्रीम की, तो देखते हैं आज अगर वो खुला हुआ है तो चेन लूप करवा लेते हैं सरदार जी हमारे, बिकॉज चेन काफ़ी टाइम से गंदी पड़ी है, सूखी चल रही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है घर से, बहुत पास ही है, तो इसलिए देख लेते हैं आज खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। खुला हुआ तो है भैया। चेन ल्यूब करनी थी, चेन ल्यूब। ओ, ओ मेरी जान, फर्स्ट क्लास, क्या करवा रहे हो? बैटरी? अच्छा, ओके ओके ओके। भाई सब बड़े बड़े लोग मिल गए हमें तो आज, टायर मास्टर्स। So all set, हमारी मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। भाई साहब कुत्ता भी जब बढ़ गया था, तो ऑल सेट हमारी मोटरसाइकिल की चेन हो गई ल्यूब, ड्रीम की चेन हो गई ल्यूब, और हम चल रहे हैं छोटा मोटा सा मोटो व्लॉग करने, काम भी कराएंगे, मोटो व्लॉग भी हो जाएगा, एक पंच दो काज। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं आ रही है, बट हाँ ह्यूमिडिटी है। अगर बाइक कहीं रुकती है तो उसके बाद तो भैया हेलमेट के अंदर तो ऐसी हालत हो जाती है कि बस आप गए और तब गए, बट अगर मोटरसाइकिल चल रही है आपकी तो एक नंबर। वाह, कम ऑन ड्रीम, कम ऑन बेटा, मलाई घेवर 680 रुपये किलो। भाई साहब खाने की देखो, खाना तो आ जाओ शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के पास, सुराज भोग। यहाँ पे खींचा मारेंगे भाई, रेंचो पकड़ के बैठी हो, देखो रेंचो कहाँ चला गया, मजेदार भाई साहब, मजेदार, भूसा भूसा भाई, भूसा भूसा है, मतलब नो बड़ी, नो मोटरसाइकिल कैन कम्पीट भाई भूसा भाई, मेरे हिसाब से तो, मतलब मेरा मानना है। आई नो BMW S1000 RR का इस टाइम बड़ा क्रेज़ चल रहा है, बहुत चलन में है ये मोटरसाइकिल, बट मेरे हिसाब से तो यार हायाबूसा की रोड प्रेजेंस की बात करें, इसकी पावर की बात करें, और कहते हैं कंपेटिबिलिटी की बात करें, तो हायाबूसा हायाबूसा यार, विदाउट एनी फेल। सो भैया फाइनली राइड के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की जरूरत थी, तो आ गए हम सीसी कॉलोनी, और ये हमारे लच्छू खड़ा है, इधर मोहित खड़ा है, इधर खड़ा है हमारा प्रेम, और ये हमारे भाई साहब खड़े हैं 31 वाले, और चेयर्स। हालत हो रही थी खराब, बाइक होगी, चेन बिल्कुल मस्त ल्यूब हो गई है, अब छोटे छोटे काम रह गए हैं, वो इसकी एक दूसरी सर्विस करानी है, और फिर निकल जाएंगे इसको लेकर के लॉन्ग राइड पे, मतलब व्हाट इज, क्या कह रहे हो लड़के,
मौसम बढ़िया मगर ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है भाई, उमस हालत खराब है ना। ये भी रुक गया भाई अपना देखने, ये मेरी चार फुल ऑन। तो कुछ कैसी लग रही है ड्रीम और हमारा रेंचो? ओह माय गॉड भाई साहब, हाँ आवाज़ अभी सुनाएंगे यार, अभी थोड़ा सा इसको भी शांति लेने दी, मेरे भागती हुई आ रही है। और सीधा मिलता मोटो ब्लॉक पे। यस अब ठीक है, ओके खुश हो गया लड़का, इतनी देर से खड़ा, खाली बाइक स्टार्ट होगी तब जाएगा। चल ओके बैक टू होम, जो जो काम करना था वो इधर का काम भी कर लिया, मोटो ब्लॉग भी हो गया, मोटरसाइकिल भी चला ली, चेन भी लूप करा ली। मतलब व्हाट इज विख्यात भाई, आप तो मल्टी टैलेंटेड लौंडे हो यार, कैसे कर लेते हो ये सब? मतलब हाउ कम? और एक बार थोड़ा आगे रुकते हैं, एक बार यू नो अपने दूसरे कैमरे से, दूसरे एंगल से आपको अपनी ड्रीम दिखाते हैं। मतलब कितनी प्यारी लग रही है लड़की हमारी, मतलब ब्यूटीफुल। बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है। बस बात वही है, आपने मोटरसाइकिल रोकी नहीं और भाई साहब सफोकेशन हुई नहीं, वो हिसाब चल रहा है। अब आएगा मज़ा, शीशा खोल लेते हैं क्योंकि अंधेरा है। आवाज़ चेक करो, ब्यूटी मैन, ब्यूटी ब्यूटीफुल। तो कुछ इस तरह आपका भाई इस टाइम लग रहा है, मतलब फुल ऑन कार्बन फाइबर हेलमेट और टी शर्ट और मिलिट्री लोअर कैमो ग्रीन कैमोफ्लेज, या तो और कुछ ऐसी, मतलब क्या कह रहे हो, व्हाट इज, मतलब ब्यूटीफुल यार। और इधर से जो एंगल आ रहा है ना भाई साहब, यहाँ से जो फ्रेम आ रहा है, अब देखो मतलब उधर हमारा तिरंगा झंडा, इधर हमारी ड्रीम, मतलब एक नंबर। और रेंचो की हालत ख़राब है भैया, रेंचो आराम से पड़ा हुआ है, ये देखो कैसे जैसे मार मार के बिठाया उसको। और क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार हमारा तिरंगा, मतलब मज़ा ही आ रहा है। जय हिंद यार, जय हिंद, एक नंबर। सो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, मोटो ब्लॉग हो गया, सब कुछ हो गया, मज़ा आ गया आपको भी और मेरे को भी। मेरे को थोड़ा ज़्यादा आया बिकॉज अब हम राइड कर रहे हैं इसी वजह से। और सही बता रहा हूँ यार आप लोग, इसे पॉसिबल ऊपर आए, वरना तो ऐसा हो गया था बाइक निकले हुए जन्म हो जाते थे। अब एटलीस्ट मोटरसाइकिल निकल रही है, चल रही है। आगे कोई बढ़िया सी रोड आती है तो एक बार हल्का सा खींचा मारेंगे, बट पूरी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जान है तो जान है, तो सही है मार ही लेते हैं। रेंज तो संभाल के, पटाखे पक। सो ऑलमोस्ट से लगभग हम पहुंच ही गए अपने घर। सो और ज़्यादा मोटो ब्लॉक को ट्रैक नहीं करते हैं, सीधा मिलते हैं आपको आमने सामने आके,
और आगे बात कंटिन्यू करते हैं, आगे की यू नो उस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सीधा मिलते हैं आपको अपने मेन कैमरे से। सो अभी हम चारों निकल गए, मैं, मम्मी, आद्या, भावना, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कहाँ पे, घूमी घूमी टाइम। तो अभी हम जा रहे पहले कहीं डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद क्या बोलते हैं, फिर हम जाएंगे एक मूवी देखने। मूवी कौन सी होने वाली है आप समझ सकते हो, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो बस इतना बता दिया ट्रेंडिंग में है। तो पहले थोड़ा सा गाड़ी में ऐसे घूमते शूमते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं डिनर के लिए, फिर आपको सीधा वहीं पर मिलेंगे। और जहाँ पे अपन जाने वाले हैं डिनर के लिए, यार बहुत बढ़िया जगह है, अगर आप नॉर्थ साइड से कहीं से हो ना तो मस्ट हैव मस्ट विजिट दैट प्लेस। खाना बहुत 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 बढ़िया है। एंड वो आपको आज का मोटो ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो फाइनली वी आर ओवर हियर एट सफियाना। जैसे मैंने आपको बोला कि मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट हो गया यार ये वाला रेस्टोरेंट, और एम्बियंस कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे ज़्यादा लोगों की प्राइवेसी को मैं इंटरेक्ट नहीं करूँगा, पंगा हो जाता है। एंड हियर वी आर, एंड अभी अभी ऑर्डर किया हमने प्लेटर कबाब प्लेटर, वेज कबाब प्लेटर, और टमाटो सूप माँ के लिए, हमारी माता जी के लिए, और अपने लिए स्वीट कॉर्न सूप। तो अभी आता है आपको दिखाते हैं, मतलब आप कहने वाले हो विख्यात भाई, और प्लीज क्या कह रहे हो लड़के। और अभी भाई को एक वीडियो कॉल करता हूँ, उसको भी तो चढ़ाना जरूरी है ना, वो उधर बड़े मजे मार रहा है। उसमें कहाँ गया हुआ, फेयरमाउंट में गया हुआ ना, फेयरमाउंट। भैया हमारा पापड़ आ गया, तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है मसाला पापड़, तो इसको एंजॉय करें। मतलब आप कहने वाले हो भैया व्हाट इज क्या भाई, क्या क्या रहे लड़के। एक एक डिश ऑर्डर कर देना, एक एक। ये आ गया हमारा ड्रिंक्स का मेन्यू, इसके बिना डिनर अधूरा है। और पापड़ खाओ आद्या, आओ मम्मी पापड़ खाओ। यहाँ का ना कॉम्प्लीमेंट्री है, अपन ने एक बार खाया था ना जब, हाँ मजेदार है। इंजॉइंग द सूप, मजा आ रहा है। बाबू जी का सूप लेती हुई, और यहाँ आपका भाई सूप की पहली चुस्की लेता हुआ, मजेदार। थोड़ा नमक कम है, नमक कहाँ पे है यार, ये नमक है ना, थोड़ा नमक कम है। और अभी कबाब प्लेटर आना है, एंड क्या बोलते हैं अपना वो क्या, मेरा पैक भी आना है ना, मेरा पैक भी आना है, एक वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो ये ना अपना डिनर अधूरा है। अगर पैक नहीं पिया तो मतलब डिनर कैसे किया, बातचीत कुछ ऐसी है। तो अभी कुछ नहीं है, अपना सूप वगैरह एंजॉय करते हैं, आपको दोबारा से मिलते हैं। और आप कहने वाले हो व्हाट इज, फाइनली आ गया हमारा प्लेटर, पनीर टिक्का, चाप, ब्रोकली एंड दही कबाब। मम्मी खा नहीं रही है, आद्य का सूप भी खत्म हुआ है, भावना को आज ब्रोकली दी है मैंने, और हमारे पापड़ जो अभी बहुत बड़ा था ये इतना हो चुका है। अच्छा पानी पानी दिए भावना के। तो अभी कुछ नहीं, अपना ये स्टार्टर खत्म करते हैं। आप क्यों ये पानी आ रहा है ना, अगर आ रहा है इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली, मेरी रिकमेंडेशन है एक बार सुफियाने में आओ, एक नंबर खाना, एक नंबर। तो अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं फटाफट से ख़त्म करता हूँ और फिर मेन कोर्स ऑर्डर करते हैं। अभी इस मूवी भी देखने जाना है, और टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट कितना 9:40, फटाफट से करते हैं और फिर चलते हैं मूवी के लिए। आद्य जी माय गॉड, इतनी सीरियस, इज द आर्टिस्ट, क्या नाम है आपका, सूरज यार, ब्यूटीफुल। आद्य ब्यूटीफुल, मतलब एक नंबर, डबल ए डी वाई डबल ए, या थैंक यू सो मच सुरेशा, ब्यूटीफुल।
आ गया हमारा खाना, और खाना है बहुत ही लाजवाब, मतलब यमी 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 यमी, मतलब इतना टेस्टी है। पहले तो हमने उड़ा लिया अपना, सो इट्स ऑन प्लेट, दाल मखनी, पनीर चंगेजी आ रहा है, आधे अच्छा आधे दिन है मम्मी खा रही है उधर, एंड फिर साथ तक कैसा है मजेदार। बिग बी यो यो, बहुत खुश होते हुए, मगर जो होना होगा वो तो होगा, क्या कितने भी खुश हो लो, तुझे बुलवा लो है ना क्या। हाँ भैया ये वाली चटनी, ये मिंट सॉस से ज़्यादा अच्छी है ये वाली पुदीने चटनी। तो भैया खाना पीना हो गया अपना, और अब हम खा रहे हैं अपना भैया मीठा पान। संजय एक पान और मिलेगा, खाना खाया कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया खाया कुछ नहीं है। अरे ग्यारह खाना सही था, तो अभी एक गाढ़ा खाना देना है, खाना देते हैं और उसके बाद सीधा चलते हैं मूवी। व्हाट इज क्या कह रहे हो। सो फाइनली हम आ गए एक भूतिया मूवी देखने, और एक भूतिया हॉल में, इसे भूतिया हॉल क्यों कहते हैं, ये है मूवी टाइम, मूवी टाइम है ना, मूवी टाइम पीतमपुरा हमारे घर के पास है। और ये इसकी हालत देखो यार भाई साहब, मतलब मुझे लग रहा है वापस आते हैं यहीं पे स्त्री मिलेगी तुम्हारे को। तो हम मूवी देखने जा रहे हैं स्त्री टू, तो चले जाओ खाना बच जाएगा, अपनी वैसे ही बहुत ज्यादा खाया आपने। तो फाइनली वी आर हियर, कौन सा ऑडियो हमारा, मैं स्त्री दो टू देखने आया हूँ और मेरे साथ तीन तीन स्त्रियां हैं, मैं कह रहा हूँ मैं स्त्री टू देखने आया हूँ, मेरे साथ तीन तीन स्त्रियां हैं। मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती है। बोल बोले या सही, मजा आने वाला है, क्या आने वाला आते मजा, और आप कह रहे वाले क्या कह रहे हो लड़के। अरे आपको आज लाया है तो गाड़ी चला दूं मैं भाई हूँ, पैरासिटामोल में तो हर दर दवाई हूँ, गीता पर हाथ है सच की गवाई हूँ, खुद के लोग आई हूँ, सर वाला था पहले बेस में खुद का जवाई हूँ।